नमस्ते, वेलकम टू हाई लीगल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 1 और 2। दिस वीडियो वुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स ऑफ LLB। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। भारतीय न्याय संहिता 2023, दिस इज एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023। एंड इसका अगर हम प्रीएम्बल देखें तो बोलता है एन एक्ट एज टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। क्या मतलब हुआ कि इस एक्ट का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? टू कंसोलिडेट, यानी एक जगह पर सारे चीज़ों को एकत्रित करना, अमेंड करना, यानी कि चेंजेस लाना उसमें, किन मैटर्स में विच आर रिलेटेड टू ऑफेंसेस। ठीक है, तो ये इस पूरी भारतीय न्याय संहिता का पर्पस या ऑब्जेक्टिव होता है, जो कि हमें प्रीएम्बल के थ्रू यहाँ पर बताया गया है। इट हैज़ बीन इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन 74th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे इंडियन रिपब्लिक के 74th ईयर में इसे इनेक्ट किया गया है। अब बात करें चैप्टर 1 की, विच इज़ प्रिलिमिनरी। तो सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन की, जहाँ पर हमें सबसे पहले एक्ट का नाम देखने मिलता है, दैट इज़ भारतीय न्याय संहिता 2023। ये कब फोर्स में आया, ऑलरेडी हम देख चुके हैं 1 जुलाई 2024 को। तो यहाँ पर डेट गिवन नहीं है, क्योंकि मेरा जो बैरेक्ट है ये थोड़ा पहले का है, एक्ट आने के पहले का है। सो दैट्स वाई इट हैज़ बीन मैंशन डेट जब ऑफिशियल गैजेट में आएगा, बट वी नाउ वी ऑलरेडी नो कि ये ऑलरेडी आ चुका है एंड हमारी एनफोर्समेंट डेट हो चुकी है 1 जुलाई 2024। और जो कंसेंट डेट है, जहाँ पर प्रेसिडेंट सिग्नेचर करता है, तो वो डेट है 25th of December 2023। सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 1 का सब सेक्शन 2 हमने देख लिया। नाउ सेक्शन 1 का सब सेक्शन 3 क्या बोलता है, एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस देयर ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। विद इन इंडिया जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति लायबल होगा पनिशमेंट के लिए संहिता के अंतर्गत, और किसी दूसरे तरह से नहीं, जो भी एक्ट या ओमिशन वो करता है प्रोविजंस के कॉन्ट्ररी, यानी जो भी हमें लॉज दिए हुए हैं उसके अगेंस्ट में जाके अगर वो कुछ एक्ट या ओमिशन करता है, कहाँ पर करता है, विद इन इंडिया। तो जो ये विद इन इंडिया है, इसका मतलब होता है इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ दिस संहिता। इसका क्या मतलब हुआ, हमारी टेरिटरी के अंदर, यानी इंट्रा टेरिटोरियल अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो दैट इज़ पनिशेबल अंडर भारतीय न्याय संहिता। तो सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 बात करता है इंट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस का। अब अगर हम बात करें सेक्शन 1 के सब सेक्शन 4 की, तो वो क्या बोलता है, एनी पर्सन लायबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई पर्सन इंडियन लॉ में, जो कि ऑलरेडी इंडिया में एनफोर्स है, ऐसे लॉ के तहत लाइबल होता है किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी ऑफेंस के लिए जो वो भारत के बाहर कर रहा है, पर अगर वो इंडिया में होता तो वो इंडियन लॉ के तहत लाइबल होता, तो उस एक्ट के लिए वो उसी मैनर में, उसी तरीके से लायबल होगा जैसे कि वो एक्ट, भले ही वो एक्ट बाहर किया गया हो, लेकिन वो वैसे ही लायबल होगा जैसे कि वो इंडिया में किया गया है। ठीक है, मतलब अगर वो बाहर भी करता है, लायबल बाय इंडियन लॉ है, ठीक है, तो उस केस में वो लायबल होगा। और यहाँ पे एनी पर्सन टर्म का यूज़ है, मतलब यहाँ सिटीज़न नहीं है, पर्सन है, पर्सन कैन बी फॉरेनर ऑल्सो। सो दिस सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 अप्लाइज टू एनी पर्सन, दैट मीन्स टू फॉरेनर एज वेल। ओके, तो ये है सेक्शन 1 सब सेक्शन 4। नाउ कमिंग टू सब सेक्शन 5, ये क्या बात करता है, द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता शैल ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन। नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या वर्ड यूज है, सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। इंडिया से बाहर, इंडिया के परे अगर कोई व्यक्ति है, इंडियन सिटीजन, अगर उसने कोई ऑफेंस किया इंडिया से बाहर, तो उस पर भी अप्लाई होगा। अगर कोई पर्सन, बी क्या बोलता है, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर इट मे बी, अगर कोई पर्सन है और वो कोई शिप या एयरक्राफ्ट जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया में,
ठीक है, चाहे वो कहीं पर भी हो, कहीं पर भी, बट रजिस्टर्ड कहाँ है, इंडिया में। तो उस केस में अगर किसी भी पर्सन ने, यहाँ पे क्या टर्म यूज़ है, पर्सन, अगर किसी भी पर्सन ने वहाँ पर कोई ऑफेंस किया है तो वो भी इस संहिता के अंतर्गत आएगा। मतलब दिस संहिता शैल ऑल्सो अप्लाई टू दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। थर्ड क्या बात करता है, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। मतलब कोई भी पर्सन, यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ है, पर्सन, मतलब इट इंक्लूड सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर। और वो क्या कर रहा है, किसी भी इंडियन कंप्यूटर रिसोर्स पर जो कि कहाँ लोकेटेड है, इंडिया में लोकेटेड है, उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो कहीं पर से भी कर रहा हो, तो डैट पर्सन, उस पर्सन पर भी ये संहिता अप्लाई होगी। सो दिस इज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ दिस संहिता। Now coming to next, there is one illustration given here. A who is citizen of India commits a murder in any place without and beyond India. He can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found. क्या मतलब हुआ, अगर कोई person है, citizen है India का, और उसने कोई murder किया है India से बाहर, तो उस case में उसका trial और conviction हो सकता है उस जगह पर जहाँ पर उसे ढूंढा गया है, जहाँ पर वो मिला है, ठीक है। एंड देन सबसेक्शन 6 बात करता है, नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डेजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल या फिर लोकल लॉ। मतलब ये बताता है एक जनरल रूल। एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी जनरल लॉ कभी भी किसी स्पेशल या लोकल लॉ को प्रिवेल नहीं कर सकता है। जनरल लॉ वो होता है जो कि जनरली आपके हर चीज़ों के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि BNS है क्रिमिनल लॉ के लिए, CPC है, CRPC है, CRPC विच इज़ नाउ BNSS, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी है, ये सभी क्या है, जनरल लॉज है। और स्पेशल लॉज वो होते हैं जो कि किसी स्पेशल सब्जेक्ट पर बनाए जाते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना है डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, पॉक्सो एक्ट बना है स्पेशली सेक्सुअल ऑफेंसेस विच आर रिलेटेड टू चिल्ड्रन के लिए, इसके अलावा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बना है डाउरी के लिए। तो किसी स्पेशल सब्जेक्ट पर जब कोई लॉ बनता है तो डैट इज़ स्पेशल लॉ। लोकल लॉ मतलब कि जो किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए बनाया गया हो, जो कि सिर्फ लोकल एरियाज वहाँ पर लागू होता हो, जैसे कि MP के लिए MP रेंट एंड अकोमोडेशन एक्ट है, MPLRC लैंड रेवेन्यू कोड, या MP एक्साइज एक्ट है, तो ये केवल MP के लिए है, तो दैट्स वाई ये लोकल लॉज हैं। तो ये जो संहिता है कभी भी किसी ऐसे एक्ट को अफेक्ट नहीं करेगी जो कि एक तो लोकल या स्पेशल लॉ में ऑलरेडी गिवन हो, दूसरा अगर वो रिलेटेड हो म्यूटिनी या डेजर्शन से। म्यूटिनी या डेजर्शन का मतलब क्या होता है, अगर कोई आर्मी वगैरह से रिलेटेड मैटर हो, जैसे विद्रोह का मामला हो और इस प्रकार का अगर कोई मामला हो, तो उस केस में ये संहिता नहीं लागू होगी। ये रूल याद रखिएगा, स्पेशल लॉ एंड लोकल लॉ विल ऑलवेज प्रीवेल द जनरल लॉ। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन नंबर 1 ख़त्म होता है। अब हम आते हैं सेक्शन 2 में, जो कि है हमारा डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज में हमें टोटल 39 डेफिनेशंस दी हुई हैं, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी एक्ट की। एक्ट मतलब क्या है, एक्ट डिनोट्स एज वेल अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई एक्ट है उसमें अगर सीरीज ऑफ एक्ट भी है तो भी उसे एक सिंगल एक्ट माना जाएगा। इसका एग्जांपल से समझेंगे तब समझ में आएगा। जैसे कि अगर एक लाठी से मारने की सज़ा 1 साल है, तो क्या 50 बार अगर किसी को लाठी से मारा गया है तो क्या उसकी सज़ा 50 साल होगी, नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्ट का मतलब है सीरीज ऑफ एक्ट। तो अगर कोई चीज़ बार बार भी हुई है तो भी हम उसे एक सिंगल एक्ट ही मानेंगे, और एक एक्ट पनिशेबल एक ही बार होगा। सो ये हमारी इस डेफिनेशन का मतलब है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है एनिमल। एनिमल का मतलब क्या है, मींस एनी लिविंग क्रीचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। मतलब इंसान के अलावा, ह्यूमन बीइंग के अलावा जो भी लिविंग क्रीचर्स हैं, बी इट एनी, मान लो हमें कभी कोई एलियन दिख रहा है, अनआइडेंटिफाइड कोई चीज़ है जो कि लिविंग लग रही है, तो वो भी क्या होगी, वो एनिमल में ही आएगी। सो दैट इज़ 2-2। नाउ 2-3 सबसेक्शन 3 चाइल्ड, ये न्यूली एड है हमारे BNS में, पहले एडेड नहीं थी। तो चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति जो होगा वो चाइल्ड होगा, और इसमें सभी लोग आ जाते हैं, मतलब बॉय एंड गर्ल बोथ आर इंक्लूडेड। नाउ कमिंग टू 2 सबसेक्शन 4 काउंटरफीट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अ पर्सन इज सेट टू काउंटर फीट हु कॉजेज वन थिंग टू रिसेम्बल एनदर थिंग इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिसेम्बलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस्ड. काउंटर फीट का मतलब होता है कॉपी करना एक तरीके से इन सिंपल लैंग्वेज. इसका क्या मतलब हुआ, अगर किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की तरह रिसेम्बल कराने की वैसा नकल करने की कोशिश की जाए लेकिन वहाँ पर आपका इंटेंशन होगा मैलाफाइट, ख़राब इंटेंशन होगा. इंटेंशन आपका क्या है, डिसेप्शन प्रैक्टिस करने का, आप किसी को धोखा देना चाह रहे हो, ठीक है, और आप जानते हो कि उस डिसेप्शन से वो व्यक्ति धोखा खा जाएगा, ठीक है. तो इस केस में ये होता है काउंटर फीट. ठीक, एक्सप्लेनेशन वन दिया हुआ है, क्या बोलता है, इट इज़ नॉट एसेंशियल टू काउंटर फीटिंग डेट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट. ये ज़रूरी नहीं है काउंटर फीट करते समय, कूटकरण करते समय, कि जो आप इमिटेट कर रहे हो वो एग्जैक्ट हो, ठीक है. एक्सप्लेनेशन टू क्या बोलता है, व्हेन अ पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिसेम्बल अनदर थिंग और जो रिसेम्बलेंस है इज सच दैट अ पर्सन माइट बी डिसीव्ड देयर बाय, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अंटिल द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव दैट द पर्सन सो कॉजिंग द थिंग टू रिसेम्बल द अदर थिंग इंटेंडेड बाय मीन्स ऑफ दैट रिसेम्बलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन और न्यू इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन वुड देयर बाय बी प्रैक्टिस्ड. अगर कोई पर्सन रिसेम्बल करवाने की कोशिश कर रहा है और उस रिसेम्बलेंस से ये प्रतीत हो रहा है कि उस रिसेम्बलेंस से दूसरा व्यक्ति धोखा खा सकता है तो ये प्रिज्यूम करके चला जाएगा अंटिल द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव, मतलब जब तक कि आप इसके उल्टे प्रूफ नहीं कर देते हो कि वो व्यक्ति का जो इंटेंशन था मतलब वो ख़राब था, यानी यहाँ पर उसका मेंस रिया था, वो जानबूझकर डिसीव करना जा रहा था, मतलब कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि उस व्यक्ति का मेंस रिया था वहाँ पर, ठीक है. 2.5 बात करता है कोर्ट की. कोर्ट मीन्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन और अ बॉडी ऑफ जजेस विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली एज बॉडी व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशली. कोर्ट का मतलब क्या होता है, उस जज से है जो कि या तो अकेले जुडिशली एक्ट कर रहा है या फिर बॉडी ऑफ जजेस है, मतलब एक से ज़्यादा जजेस हैं जिनके पास पावर है. पावर किसने दिया है, उन्हें लॉ ने, ठीक है. क्या पावर दिया है, टू एक्ट जुडिशली एज अ बॉडी, ठीक है. तो ये मतलब होता है यहाँ पर कोर्ट का, सिंगल जज भी है बॉडी ऑफ जजेस भी है. देन 2.6 क्या है, डेथ. डेथ मीन्स द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बींग अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. तो डेथ यहाँ पर जब भी आप पढ़ोगे इस पूरे संहिता में तो डेथ का मतलब क्या होगा, डेथ ऑफ द ह्यूमन बींग, ठीक है. अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, अगर कॉन्टेक्स्ट से कुछ और अपीयर हो रहा है उसको छोड़कर जनरली क्या यूज़ है, यहाँ पर ह्यूमन बींग की ही डेथ का मतलब है. 2.7 डिसऑनेस्टली. डिसऑनेस्टी इज अ टाइप ऑफ मेंस रिया, ये एक गिल्टी इंटेंशन को दिखाता है. क्या मतलब हुआ, मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन. इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप कोई चीज़ इसलिए कर रहे हो क्योंकि वहाँ पर आपका इंटेंशन है किसी एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन करवाना और दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस कराना. कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए आपका कोई कुरियर का पार्सल आ रहा था, ठीक है, कोई पार्सल आ रहा था बेसिकली, और वो पार्सल आपको मिलना चाहिए था बट वो मिला आपके पड़ोसी को और उसने वो चीज़ रिसीव भी कर ली, तो यहाँ पर उनका इंटेंशन है डिसऑनेस्ट, क्योंकि उन्होंने जो गेन किया, उन्होंने जो वो पार्सल रिसीव किया, ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू दैट पार्सल, ठीक है. तो यहाँ पर उनका क्या हुआ, रॉन्गफुल गेन, ठीक है, और आपको जो लॉस हुआ वो लॉस आपको नहीं होना चाहिए था क्योंकि यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर दैट लॉस, ठीक है. तो जो आपको हुआ वो क्या हुआ, रॉन्गफुल लॉस, ठीक है. तो यहाँ पर एक पर्सन का इंटेंशन है कि वो किसी को रॉन्गफुल गेन कराए, वो खुद भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, और रॉन्गफुल लॉस कराएं किसी दूसरे का, तो वो इंटेंशन कहलाता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ठीक है. सो दैट इज़ 2.7 डिसऑनेस्टली. कमिंग टू 2.8 दैट इज़ डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है means any matter expressed or described upon any substance by means of letter, figure or marks or by more than one of those means and includes electronic and digital record intended to be used or which may be used as evidence of that matter. क्या मतलब हुआ, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है अगर कोई भी सब्सटेंस के ऊपर कोई चीज़ एक्सप्रेस्ड है, किस तरीके से एक्सप्रेस्ड है, लेटर, फिगर या मार्क्स के थ्रू या फिर उनसे ज़्यादा किसी और मीन्स के थ्रू, इनके अलावा भी किसी एक मीन्स के थ्रू, और इसमें क्या इंक्लूडेड है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी यहाँ पर इंक्लूडेड है, ठीक है, और जिनको आप कैसे यूज़ कर सकते हो एज एन एविडेंस. तो अगर इन सिंपल वर्ड्स में बात करें तो डॉक्यूमेंट का क्या मतलब हुआ,
अगर किसी भी सब्सटेंस पर लेटर फिगर या मार्क्स के थ्रू, ठीक है, कोई चीज़ लिखी गई है, ठीक है, कोई चीज़ एक्सप्रेस की गई है, डिस्क्राइब की गई है, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी है, तो यहाँ पर बोलेंगे कि वो क्या है, डॉक्यूमेंट है। इसके बाद बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये इममटेरियल है, कि किस मीन्स के द्वारा या किस सब्सटेंस के ऊपर उन लेटर फिगर या मार्क्स को बनाया गया है या फॉर्म किया गया है, या फिर वो जो एविडेंस है वो कोर्ट में यूज़ करने के इंटेंशन से बनाया गया है या नहीं बनाया गया, इट इज़ इममटेरियल। तो यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, इलस्ट्रेशंस जिसे हिंदी में बोलते हैं दृष्टांत। हम लॉ में जितने भी एग्जाम्पल्स देखते हैं उसे हम बोलते हैं एक तरीके से इलस्ट्रेशंस। सो 2A इज़ क्या इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ए राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी यूज एज एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ डॉक्यूमेंट। मतलब अ राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर कोई राइटिंग है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एक्सप्रेस की गई हैं और उसे हम कॉन्ट्रैक्ट में एविडेंस के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ डॉक्यूमेंट, चेक डॉक्यूमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो जो एक पावर ऑफ अटॉर्नी है, इट इज़ ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। मैप या प्लान जो कि जिसको क्यों बनाया गया है, ताकि उसे एज एन एविडेंस यूज़ किया जा सके, तो वो भी डॉक्यूमेंट है। अगर कोई राइटिंग है जिसमें डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं तो वो भी डॉक्यूमेंट है। एक्सप्लेनेशन टू क्या बोलता है, वॉट एवर इज एक्सप्रेस बाय मीन्स ऑफ लेटर फिगर या मार्क्स एज एक्सप्लेन बाय द मर्केंटाइल और अदर यूसेज शैल बी डीम्ड टू बी एक्सप्रेस बाय सच लेटर्स फिगर्स और मार्क्स विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन ऑल्दो द सेम मे नॉट बी एक्चुअली एक्सप्रेस्ड। ठीक है, तो ये था हमारा डॉक्यूमेंट। अब हम आएंगे नेक्स्ट में, दैट इज़ 2.9 फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉडुलेंटली का मतलब क्या है, मीन्स डूइंग एनीथिंग विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई भी व्यक्ति, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेंस रिया, फ्रॉडुलेंटली भी आपकी इंटेंशन बता रहा है कि आपकी इंटेंशन कपटपूर्ण आपकी इंटेंशन है। इसका क्या मतलब होता है, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज, आप किसी को धोखा देने की या कपट करने की आपकी इंटेंशन है, आप इसलिए कोई काम कर रहे हो, तो दैट इज़ फ्रॉडुलेंट। 2.10 बात करता है जेंडर की। जेंडर का मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द प्रोनाउन ही एंड इट्स डिराइवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो जब भी हम ये एक्ट पढ़ेंगे, संहिता पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो उच्चारण किया गया है, जो लॉ लिखा गया है, उसमें हर जगह ही वर्ड यूज़ किया गया है, ही प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर यह मेंशन किया गया है कि अगर ही या उसके डिराइवेटिव्स यूज़ किए गए हैं तो वहाँ पर जो भी पर्सन पर वो चीज़ अप्लाई करवानी है, हो सकता है वो फीमेल हो सकता है वो मेल हो सकता है वो ट्रांसजेंडर हो, तो उन सभी के लिए हमने ही यूज़ किया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ मेल ही होगा, इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस कि वहाँ पर किसके ऊपर वो लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, एंड एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है, ट्रांसजेंडर हम किसे बोलेंगे, तो ट्रांसजेंडर की वही मीनिंग ली जाएगी जो कि सेक्शन 2 के क्लॉज के में डिफाइंड है अंडर ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। ठीक है, इस एक्ट में अगर जो भी मीनिंग दी हुई है अंडर सेक्शन 2 के, उसी को हम बोलेंगे ट्रांसजेंडर। 2.11 है गुड फेथ, यहाँ नेगेटिव डेफिनेशन है। नेगेटिव डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, जो नथिंग से स्टार्ट हो या जो नेगेटिव सेंस में हमें कोई चीज़ बताए, मतलब नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज़ डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो हम अगर इसे पॉजिटिव बनाएंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे कि गुड फेथ में कोई चीज़ तब मानी जाएगी जब वो ड्यू केयर और अटेंशन के साथ की जाए। तो यहाँ नेगेटिवली लिखा है कि गुड फेथ में तब नहीं मानी जाएगी जब वो ड्यू केयर या अटेंशन के साथ नहीं की जाए। ठीक है, तो दैट इज़ 2.11। 2.12 गवर्नमेंट की बात करता है, सिंपली मीन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। 2.13 इज़ इम्पॉर्टेंट, हार्बर संश्रय बोलते हैं हिंदी में। इसका क्या मतलब होता है, संश्रय का मतलब होता है किसी की बेसिकली हेल्प करना, जो कि कोई एक प्रकार हो सकता है कोई ऑफेंडर हो या जो पुलिस से भाग रहा हो, बेसिकली गिरफ्तार होने से बच रहा हो। सो हार्बर इंक्लूड सप्लाइंग ए पर्सन विद शेल्टर फूड ड्रिंक मनी क्लोथ आर्म्स एम्यूनेशन और मीन्स ऑफ कन्वेंस और द असिस्टिंग अ पर्सन बाय एनी मीन्स वेदर ऑफ द सेम काइंड एज दोज एन्यूमरेटेड इन दिस क्लॉज और नॉट टू इवेड एप्रीहेंशन। मतलब अगर किसी भी पर्सन को जो एप्रीहेंशन को इवेड कर रहा है, मतलब कि जो पकड़े जाने से बचने के लिए, ठीक है, छुप रहा है, और उस पर्सन को आप या तो शेल्टर दे रहे हो, घर में छुपा रहे हो, घर दे रहे हो, खाना दे रहे हो, खाना पीना दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, क्लोथ्स आर्म्स एम्यूनेशन कन्वेयंस किसी भी प्रकार से उसकी हेल्प कर रहे हो जिससे वो पकड़ा ना जाए, उसे बोला जाता है हार्बर।
ठीक है। 214 पे आते हैं, 214 बात करता है इंजरी की। इंजरी चार प्रकार की हो सकती है। अगर आप इलीगली किसी पर्सन को चार प्रकार की क्षति पहुंचाते हैं, इंजरी करते हैं, कहाँ कहाँ पर? बॉडी में, ठीक है, फिजिकली, माइंड में, मेंटली, रेप्यूटेशन में, उनके सम्मान को चोट पहुंचा रहे हो, और प्रॉपर्टी पे चोट पहुंचा रहे हो। तो इंजरी का मतलब चार प्रकार की इंजरी से होता है अंडर दिस संहिता, बॉडी, माइंड, रेप्यूटेशन एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। 15, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, 215 इज़ इलीगल एंड लीगली बाउंड टू। तो इलीगल में तीन चीज़ें आती हैं, क्या हम बोलेंगे कि इलीगल है या क्या है, अवैध है, तो तीन चीज़ें बोली जाती हैं। नंबर वन, जो कि ऑफेंस हो, एवरीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस इज इलीगल। दूसरा, एवरीथिंग विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जिसे कि लॉ ने प्रतिबंधित किया हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो इलीगल। एंड नंबर थ्री, विच फर्निशेज ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन, ठीक है। तो इलीगल में तीन चीज़ें हैं, एवरीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस, एवरीथिंग विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और एवरीथिंग विच फर्निशेज ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन। तो ये तीन चीज़ें क्या होती हैं? इलीगल होती हैं। एंड अ पर्सन इज सेट टू बी लीगली बाउंड टू डू वॉट एवर इज इट इज़ इलीगल हिम टू ओमिट। लीगली बाउंड वो किन चीज़ों के लिए रहेगा? अगर वो चीज़ नहीं करे तो फिर उसके अगेंस्ट में ऑफेंस बनता है, ठीक है। इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला हमने देखा इलीगल का मतलब क्या हुआ, तीन चीज़ें, नंबर वन क्या है, विच इज़ एन ऑफेंस। तो कोई भी चीज़ जो ऑफेंस है, जैसे किसी का मर्डर करना इज़ एन ऑफेंस, किसी का रेप करना इज़ एन ऑफेंस, चोरी करना, थेफ्ट इज़ एन ऑफेंस। सो ये क्या है, ये ऑफेंस है, क्योंकि BNS में और वेरियस प्रोविजंस में, वेरियस एनेक्टमेंट्स में मेंशन है कि ये ऑफेंस है। दूसरा क्या है, विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जिसे लॉ ने प्रतिबंधित किया है। तो देर आर सर्टेन एक्ट्स जिसे कि प्रतिबंधित किया गया है वो जुर्म नहीं है, जैसे कि कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, कटिंग ऑफ इवन अ ट्री। आप अपने घर का पेड़ काट सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो बाहर पेड़ लगे हों, पार्क के पेड़ लगे हों, आप उन्हें काट सकते हो। तो पेड़ काटना ऑफेंस नहीं है, लेकिन अगर आप कोई ऐसा पेड़ काट रहे हो विच इज़ प्रोटेक्टेड, विच इज़ लोकेटेड इन अ फॉरेस्ट एरिया, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। सो इट इज़ ऑल्सो इलीगल। तो कोई भी ऐसा एक्ट विच इज़ नॉट एन ऑफेंस बट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, वो भी क्या है, इलीगल है। थर्ड क्या है, विच फर्निशेज ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर आपके खिलाफ सिविल एक्शन लाया जा सकता है, सिविल कोई भी सूट लाया जा सकता है। सो जैसे हम CPC में देखते हैं, देर आर वेरियस प्रोविजंस जहाँ पर आपने किसी के पैसे नहीं दिए, या कोई ऐसा मामला है, प्रॉपर्टी रिलेटेड मामला है, पोजेशन लेना है, सो इस प्रकार की कोई भी चीज़ करना भी इलीगल माना जाता है। सो दैट इज़ ऑल्सो इलीगल। और जो हमने देखा लीगली बाउंड टू डू का मतलब क्या होता है, लीगली बाउंड टू डू का मतलब यहाँ पे भी नेगेटिव दिखा है कि अगर आपने वो चीज़ नहीं की तो फिर ये क्या हो जाएगा, इट इज़ इलीगल हिम टू ओमिट। जो आप अगर नहीं करते हो तो फिर वो आपके लिए क्या हो जाएगा, ऑफेंस बन जाएगा एक प्रकार से। तो इसका एग्जांपल क्या हुआ, जैसे यू हैव टू फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स, अगर आपने फॉलो नहीं किया, इफ़ यू ओमिट टू फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स देन इट इज़ एन ऑफेंस, ठीक है, आपका चालान कट जाएगा, बिकॉज यू आर लीगली बाउंड टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। तो इसका मतलब होता है लीगली बाउंड टू डू, ठीक। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेक्शन, 216, जज। जज का मतलब क्या होता है, जज मीन्स अ पर्सन हु इज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज, पहले तो जिनके पास डेजिग्नेशन हो एज अ जज का। और इसमें कौन कौन से पर्सन इंक्लूडेड है, नंबर वन, जो कि लॉ के द्वारा एम्पावर्ड है इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, चाहे वो सिविल हो क्रिमिनल हो, क्या करने के लिए एम्पावर्ड है, डेफिनेटिव जजमेंट देने के लिए, ठीक है। कैसा जजमेंट, अगर उसके खिलाफ अपील नहीं की गई, इफ़ नॉट अपील्ड अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव, और अ जजमेंट विच इफ़ कन्फर्म्ड बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव, अगर किसी दूसरी अथॉरिटी ने उसे कन्फर्म कर दिया तो वो भी क्या हो जाएगा, डेफिनेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये पर्सन कहलाएगा कि वो जज है। नेक्स्ट की बात करें, अगर हु इज़ वन ऑफ बॉडी ऑफ पर्सन विच बॉडी ऑफ पर्सन इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच अ जजमेंट, या फिर वो बॉडी ऑफ पर्सन्स में कोई एक है, ठीक है, जो कि एम्पावर्ड है बाय लॉ टू गिव सच जजमेंट, ठीक है, तो वो पर्सन भी क्या कहलाएगा, जज कहलाएगा। अब यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, अ मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन विच ही हैज़ पावर टू सेंटेंस टू फाइन और इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट अपील इज अ जज। तो ऐसा मजिस्ट्रेट जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है चार्ज के रिस्पेक्ट में, कि वो किसी को क्या कर सकता है, फाइन या इम्प्रिजनमेंट दे सकता है विद या विदाउट अपील, तो वो उस केस में वो जज है। नाउ कमिंग टू 217, लाइफ।
लाइफ का मतलब यहाँ होगा लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बींग। तो जनरली इस एक्ट में, इस संहिता में आप जहाँ पे भी लाइफ वर्ड देखोगे तो आप क्या प्रेज्यूम कर लोगे कि यहाँ पे किसकी लाइफ की बात हो रही है, ह्यूमन बींग की लाइफ की बात हो रही है, अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। अगर कोई दूसरी चीज़ समझ में नहीं आ रही है कॉन्टेक्स्ट से, तो सिंपली जनरल रूल में हम लाइफ का मतलब ह्यूमन बींग की लाइफ ही समझेंगे। 18 में है लोकल लॉ। लोकल लॉ का मतलब क्या है? मीन्स अ लॉ एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया, एमपी रेंट अकोमोडेशन एक्ट हो गया और आपका एमपी एक्साइज एक्ट हो गया, तो ये क्या होता है? लोकल लॉ। ठीक है, देन उसके बाद 219 में आता है मैन। मैन मीन्स मेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज। तो मैन का मतलब यहाँ पर क्या होगा? किसी भी उम्र का ह्यूमन बींग जो कि मेल होगा। तो अगर एक दिन का भी मेल बच्चा है तो उसे भी हम क्या बोलेंगे? मैन ही बोलेंगे। ठीक है, देन 20 में क्या दिया हुआ है? 220 में मंथ एंड ईयर। तो वेर एवर द वर्ड मंथ और द वर्ड ईयर इज यूज्ड, इट इज़ टू बी अंडरस्टूड दैट द मंथ और द ईयर इज़ टू बी रेकंड अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो याद रखिएगा, मंथ एंड ईयर जहाँ पर भी यूज़ हुए तो हमें क्या समझना है कि यहाँ पर इसका कैलकुलेशन कैसा होगा? ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही होगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर मतलब कि जो हमारे इंग्लिश मंथ्स होते हैं जनवरी टू दिसंबर, इसे बोला जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। 221 की बात करें तो ये बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी की, जिसमें क्या है? इट इंक्लूड्स एवरी प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज़ अटैच टू अर्थ। ठीक है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी में हर प्रकार की प्रॉपर्टी इंक्लूडेड हो जाएगी, केवल ऐसी प्रॉपर्टी को छोड़कर जो कि या तो इमूवेबल है, जैसे कि लैंड वगैरह हो गई, थिंग्स अटैच टू द अर्थ। थिंग्स अटैच टू द अर्थ का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल वॉल हो गई, ठीक है, और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज़ अटैच टू द अर्थ। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि वॉल में लगी हुई विंडो या डोर्स हैं, ठीक है, वैसे तो आप बोलोगे कि ये मूवेबल है, बट इट इज़ एक्चुअली अटैच टू समथिंग विच इज़ परमानेंटली अटैच टू द अर्थ, मतलब कि वॉल में अटैच्ड है। तो इनको छोड़कर बाकी प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, देन इसके बाद नंबर 222 में, तो नंबर का मतलब है अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, वर्ड इम्पोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर एंड वर्ड्स इम्पोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी 223 जो बात करती है ओथ की। ओथ इंक्लूड्स अ सॉलेम अफर्मेशन सब्स्टिट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ एंड एनी डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड और ऑथराइज्ड बाय लॉ टू बी मेड बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट और टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रूफ वेदर इन अ कोर्ट और नॉट। तो ओथ का सिंपली हिंदी में मतलब होता है शपथ। इसका मतलब क्या होता है? कभी भी अगर आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट के सामने या फिर अकॉर्डिंग टू लॉ, भले कोर्ट में हो या ना हो, किसी चीज़ को अफर्म करते हो, अग्री करते हो या एक्सेप्ट करते हो या फिर कोई चीज़ डिक्लेयर करते हो, तो उसे बोला जाता है ओथ। देन हमारा आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 जो ऑफेंस को डिफाइन करता है, बट एक्चुअली यहाँ पर जो डिटेल गिवन है वो एक्चुअली ऑफेंस को डिफाइन नहीं करता है, बट कुछ सर्टेन स्पेशल चीज़ें बताता है ऑफेंस के बारे में। जैसे कि इन क्लॉजेज ए एंड बी द वर्ड ऑफेंस मीन्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस संहिता, लेकिन बट यहाँ पर यूज्ड है, उसमें दिया गया है कि चैप्टर 3 के जो फॉलोइंग सेक्शंस हैं जो यहाँ पर मेंशनड हैं, उनमें जो ऑफेंस का मतलब होगा उसका मतलब होगा पनिशेबल अंडर दिस संहिता और अंडर एनी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ, क्योंकि दीज सेक्शंस आर रिलेटेड टू सेक्शुअल ऑफेंसेस। तो डिफरेंट स्पेशल और लोकल लॉज में भी इनके लिए प्रोविजन है, तो ऑफेंस का मतलब यहाँ पर भी पनिशेबल होगा और वहाँ पर भी अंडर स्पेशल या लोकल लॉ भी पनिशेबल होगा। और सबसे यहाँ पर क्लॉज बी बोलता है इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 189 सेक्शन 211, 212 से लेकर के हमारा 329 तक में ऑफेंस का मतलब वही होगा जैसे कि पनिशेबल हो स्पेशल या लोकल लॉ में, और जहां पर जो पनिशमेंट है वो 6 मंथ से ऊपर की है, चाहे वो फाइन हो या ना हो। तो यहां पर डिफरेंट ऑफेंसेस में यहां पर पनिशमेंट का क्लॉज दिया हुआ है, और यहां पर ऑफेंस की मीनिंग दोनों ए क्लॉज और बी क्लॉज में डिफरेंट हो जाती है। वैसे ये वाली जो डेफिनेशन, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर
examinations. Now coming to section 2 subsection 25, जैसे हमने act की definition थी, in the same way omission की definition यहाँ पे है. It denotes as well as a series of omission as a single omission. क्या मतलब हुआ, अगर आपने कोई एक चीज़ omit की है या फिर ऐसी series में omissions किए हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा, ओमिशन. अब ओमिशन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़ आपको फॉलो करनी है एंड इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग दैट थिंग, जैसे यू हैव टू फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स बट यू आर नॉट फॉलोइंग ट्रैफिक सिग्नल्स, तो दैट मीन्स यू आर ओमिटेड, दैट मीन्स यू आर ओमिटिंग टू फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स. तो उस केस में अगर चाहे आपने सीरीज़ में ओमिट किया हो या एक बार ओमिट किया हो, सीरीज़ में मतलब उसी दिन उसी समय, तो उसे बोला जाएगा ओमिशन. देन टू सबसेक्शन 26, पर्सन. पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. तो पर्सन में कंपनी भी आती है, क्योंकि कंपनी इज़ ऑल्सो एन आर्टिफिशियल पर्सन. एसोसिएशन या बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ये सभी पर्सन की डेफिनेशन में आएंगे. देन हमारा आता है टू सबसेक्शन 27, जो बात करता है पब्लिक की. सो पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी. तो मतलब पब्लिक में क्या आएगा, क्लास ऑफ पब्लिक आएगा, कम्युनिटी भी आएगा. 228 में पब्लिक सर्वेंट. पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या होगा, जो यहाँ पे क्लॉजेस दिए हुए हैं वेरियस, वो सभी ऑफिसर्स को पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा. जैसे 2A 28 के क्लॉज ए में दिया हुआ है, एवरी कमीशन ऑफिसर इन द आर्मी नेवी और एयरफोर्स, तो ये क्या है, पब्लिक सर्वेंट है. एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज फंक्शंस, तो ये क्या होगा, ये जज भी हो गया, पब्लिक सर्वेंट. देन सी बात करता है एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट इंक्लूडिंग अ लिक्विडेटर रिसीवर और कमिश्नर, जिनकी ड्यूटी क्या है, इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट करना, ठीक है, ऑथेंटिकेट करना, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, तो ये भी क्या हो गए, पब्लिक सर्वेंट हो गए. देन एवरी एक्सेसर और अ मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट और पब्लिक सर्वेंट, तो ये भी क्या हो गए, पब्लिक सर्वेंट हो गए. देन ई में बात करता है आर्बिट्रेटर की, ठीक है, आर्बिट्रेशन में जो आते हैं हमारे आर्बिट्रेटर, मध्यस्थ बोलते हैं, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट हो गए. अब बात करते हैं एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट. कन्फाइनमेंट मतलब कैद में रखना या किसी को निरोधित रखना, किसी जगह पर रखना, तो ऐसे कोई भी ऑफिसर्स होंगे वो भी क्या है, पब्लिक सर्वेंट है. देन 2G बात करते हैं एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेज, टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेज, टू ब्रिंग ऑफेंडर्स टू जस्टिस और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ सेफ्टी या कन्वीनियंस. तो ऐसे केस में ऐसा कोई ऑफिसर है जो ऑफेंसेस को प्रिवेंट करने के लिए काम कर रहा है या इन्फॉर्मेशन देने के लिए काम कर रहा है, तो वो भी क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा. देन हर ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर टू टेक रिसीव कीप एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. तो प्रॉपर्टी की कीपिंग करने वाला जो ऑफिसर होगा वो भी पब्लिक सर्वेंट है अंडर क्लॉज एच. देन अंडर क्लॉज आई एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर टू टेक रिसीव कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी और टू मेक सर्वे या असेसमेंट, तो ये व्यक्ति भी पब्लिक सर्वेंट होगा. 2J talks about every person who hold any property by virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll or to conduct an election or part of election. Election related duties जो व्यक्ति कर रहा है, ठीक है, he is also a public servant. Coming to next clause के, in the service or pay of the government or remunerated by fees or commission for the performance of any public duty by the government, तो ये व्यक्ति भी क्या है, he is also a public servant. Then in the service or pay of local authority, जो defined है in section 3 clause 31 of general clauses act 1897, a corporate established by or under a central or state act or a government company as defined in clause 45 of section 2, तो ये व्यक्ति भी क्या होगा, ये भी कौन है, public servant है. अब यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं. एक्सप्लेनेशन में क्या है, जो भी पर्सन्स यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में फॉल कर रहे हैं इन दीज क्लॉजेस, तो वो पब्लिक सर्वेंट होंगे, चाहे उनका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ने किया हो या ना किया हो. दूसरा बोलता है कोई भी व्यक्ति जो एक्चुअल पोजेशन में है पब्लिक सर्वेंट ऑफ द सिचुएशन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट के, वॉट एवर लीगल डिफेक्ट देयर मे बी इन हिज राइट टू होल्ड दैट सिचुएशन इज़ अ पब्लिक सर्वेंट. तो अगर कोई लीगल डिफेक्ट भी होता है उनके राइट में, तब भी वो व्यक्ति क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा. थर्डली इलेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं कि इलेक्शन का मतलब क्या होता है. इलेक्शन इज़ अ प्रोसेस फॉर पर्पस ऑफ सेलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ एनी लेजिस्लेटिव म्यूनिसिपल या अदर पब्लिक अथॉरिटी. तो ये यहाँ पे इलेक्शन की मीनिंग है. इलस्ट्रेशन में गिवन है म्यूनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट. देन 229 बात करता है रीजन टू बिलीव. अ पर्सन इज सेट टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशियंट
क्लॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज. तो कोई भी पर्सन जो है उसके पास रीज़न टू बिलीव होगा, ठीक है, अ थिंग इफ़ ही हैज़ सफिशियंट क्लॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज. तो रीज़न टू बिलीव तब माना जाएगा अगर उसके पास कोई पर्याप्त आधार है या सफिशियंट कॉज है उस चीज़ को बिलीव करने के लिए, तभी वो बोल सकता है दैट आई हैव अ रीज़न टू बिलीव. देन 230 बात करता है स्पेशल लॉ, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. स्पेशल लॉ मीन्स अ लॉ अप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, जैसे डाउरी पर है, पॉक्सो है, डोमेस्टिक वायलेंस है, दीज ऑल आर स्पेशल लॉज. टू सबसेक्शन 31 बात करता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मीन्स अ डॉक्यूमेंट विच इज और पर्पज टू बी अ डॉक्यूमेंट वेयर बाय एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड, एक्सटेंडेड, ट्रांसफर, रिस्ट्रिक्टेड, एक्सटिंग्विश्ड और रिलीज. तो यहाँ पे वैल्यूएबल सिक्योरिटी का क्या मतलब है, जहाँ पर कोई लीगल राइट क्रिएट हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, एक्सटिंग्विश या रिलीज हो रहा है, तो ये क्या होगा, आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगा. देन 232 बात करता है वेसल की. वेसल मतलब कोई भी चीज़ जो कि पानी पर चलती है, कोई भी शिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो कि कन्वेंस के लिए यूज़ होता है बाय ह्यूमन बींग्स और फॉर प्रॉपर्टी, तो दैट इज़ वेसल. देन वॉलेंटरली, वॉलेंटरली का मतलब क्या होता है, जो आप अपनी इच्छा से कोई काम कर रहे हो. लीगली हम उसे कैसे बोलेंगे, अ पर्सन इज सेट टू कॉज एन इफेक्ट वॉलेंटरली वेन ही कॉजेज इट बाय मीन्स वेयर बाय ही इंटेंडेड टू कॉज इट और बाय मीन्स विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स ही न्यू और हैड रीजन टू बिलीव टू बी लाइकली टू कॉज इट. मतलब हम वॉलेंटरली तब बोलेंगे जब ये चीज़ समझ में आए कि जो उसका इंटेंशन था या जिस माध्यम से वो चीज़ कर रहा था उसे पता था या उसके पास रीज़न टू बिलीव था कि ऐसा होगा. इसको हम एक इलस्ट्रेशन से समझेंगे. इलस्ट्रेशन क्या है, ए सेट्स फायर बाय नाइट टू एन इनहैबिटेड हाउस इन अ लार्ज टाउन फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग अ रॉबरी एंड थस कॉजेज द डेथ ऑफ अ पर्सन. हेयर ए मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉज डेथ and may even be sorry that that has been caused by his act, yet if he knew that he was likely to cause death, he has caused death voluntarily. कहने का मतलब क्या है, A ने रात में आग लगा दी, कहाँ पर, inhabited house में, ठीक है, और for the purpose of facilitating a robbery, क्योंकि वो रॉबरी करवाना चाह रहा था और उस वजह से वहाँ पर एक पर्सन की डेथ हो गई. तो यहाँ पर उसका इंटेंशन भले ही डेथ कॉज करने का नहीं था और वो सॉरी भी हो सकता है कि उसके इस एक्ट की वजह से डेथ कॉज हो गई, लेकिन चूंकि उसे पता था कि उसके इस एक्ट की वजह से, किस एक्ट की वजह से, आग लगाने की वजह से वहाँ पर डेथ कॉज हो सकती है, तो ये माना जाएगा कि जो डेथ कॉज हुई है वो वॉलेंटरली हुई है. मतलब अगर उसके पास रीज़न टू बिलीव है, जैसा हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि उस एक्ट के आउटकम्स या इफ़ेक्ट ये हो सकते हैं, देन ये बोला जाएगा कि यहाँ पर वॉलेंटरली उसने वो एक्ट किया है. देन 2 सबसेक्शन 34 बात करता है विल की. विल का मतलब क्या होता है, विल मीन्स एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, वसीयती दस्तावेज, ठीक है, सिंपल सी विल की डेफिनेशन है. देन 235 बात करता है वुमेन की. वुमेन मीन्स अ फीमेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज. तो जहाँ पर वुमेन टर्म यूज़ हो तो हम ये समझ लेंगे कि यहाँ पर फीमेल ह्यूमन बींग की बात हो रही है ऑफ एनी एज. लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अभी एक नई डेफिनेशन जुड़ गई है चाइल्ड की, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन ये हो जाएगा कि जैसे कहाँ पर चाइल्ड वर्ड का यूज़ है, कहाँ पर मैन या वुमेन वर्ड का यूज़ है, थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी डेफिनेशन यहाँ पे हो गई हैं. 236 बात करता है रॉन्गफुल गेन की. रॉन्गफुल गेन मैंने आपको पहले भी समझा चुका था कि मीन्स गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड. जो मैंने कोरियर का एग्जांपल दिया था कि आपका पार्सल किसी और को रिसीव हो गया, तो जो गेन हो रहा है उस गेन को वो एंटाइटल्ड नहीं है. सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ रॉन्गफुल गेन. रॉन्गफुल लॉस मीन्स द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इज लीगली एंटाइटल्ड. तो मतलब यहाँ पर क्या है, ऐसा लॉस जो अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी से हो रहा है जिसके लिए वो व्यक्ति लीगली एंटाइटल्ड है. देन 38 गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली, इसका क्या मतलब हुआ, अ पर्सन इज सेट टू गेन रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन रिटेन्स रॉन्गफुली. अगर वो चीज़ जो उसे मिल रही है गलत तरीके से, रॉन्गफुली, अगर वो उसको रिटेन करता है, ठीक है, या अक्वायर करता है, तो ये बोला जाएगा कि वो गेन कर रहा है रॉन्गफुली. एंड वाइस वर्सा, अगर वो लूज कर रहा है और अगर वो उसे क्या कर रहा है, जो व्यक्ति एक्चुअली उसे एंटाइटल्ड है, एक्चुअली उस प्रॉपर्टी को उस व्यक्ति को मिलना चाहिए और उसके पास उस प्रॉपर्टी को नहीं जाने दे रहा है, सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ लूजिंग रॉन्गफुली, ठीक है. देन
हमारी लास्ट डेफिनेशन है जिसमें 239 वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज बट नॉट डिफाइंड इन दिस संहिता बट डिफाइंड इन आईटी एक्ट 2000 एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड शेल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन टू दैम इन दैट एक्ट एंड संहिता. तो जहाँ पर भी वर्ड्स और एक्सप्रेशन है यहाँ पर यूज हैं लेकिन यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, लेकिन वो आईटी एक्ट में डिफाइंड है, पीएनएसएस में डिफाइंड है, तो उनका वही मीनिंग लिया जाएगा जो कि उन पर्टिकुलर एक्ट्स में गिवन है. ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 2 जिसमें कि हमने वेरियस टाइप्स ऑफ डेफिनेशन पढ़ी. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.